आज डिस्कस करेंगे डीसी मोटर की वर्किंग के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में कि जो डीसी मोटर है वो वर्क कैसे करती है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसकी वर्किंग में इसकी हेल्प करते हैं। तो जो डीसी मोटर है तो ये हम इसके अंदर मेनली जिसको हमने नाम दिया है डीसी मोटर, तो इसमें जो पावर सप्लाई यूज़ करते हैं वो डीसी यूज़ करते हैं, मीन्स डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं। तो डीसी मोटर जो डायरेक्ट करंट के थ्रू जो मोटर चलती है उसको हम आज देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म यूज़ किया गया है, ये कन्फ्यूजिंग नहीं है। इसकी डायग्राम हमें लगती है कन्फ्यूजिंग, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है। देखिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमने पढ़ा था जो हमारी पिछली वीडियो थी, कि जैसे अगर हम नॉर्थ पोल हमारे पास मैग्नेट है और साउथ पोल मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इनके बीच में हम इनके बिल्कुल परपेंडिकुलरली किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट फ्लो करता हो, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो इनके कारण क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक थ्रस्ट लगेगा, एक मोशन लगेगा जो कि इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जो ये थ्रस्ट लगेगा वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड हम लेते हैं तो ये थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये फिंगर दिखाएगी, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। तो तीनों ही ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये थ्रस्ट और मोशन की लाइन है, ये जो हमारी है करंट की लाइन है, और ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। तो कोई भी आप ले लीजिए, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको दिखेंगे जहाँ से भी आप देखेंगे। तो तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो तीनों को ही हमने एक नोटेशन दे दी है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और थ्रस्ट और मोशन जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि डीसी मोटर इस पे काम करती है। तो इसीलिए जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यही प्रिंसिपल हमने डीसी मोटर में यूज़ किया है। हमारे पास एक नॉर्थ पोल मैग्नेट है, एक साउथ पोल मैग्नेट है, और जो ये रेड कलर की लाइंस हमने दिखाई हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। तो इसको हम नोटेशन दे देते हैं MF, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो N से S की तरफ, मीन्स नॉर्थ पोल मैग्नेट से साउथ पोल मैग्नेट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी, और इनके बीच में हम बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक कॉइल को प्लेस कर देते हैं। तो एक कॉइल को प्लेस कर देंगे और यहाँ पे हमने लगाए हैं हाफ डी, इसको हम हाफ डी भी बोलते हैं। इसकी ये होती है कम्यूटेटर रिंग, कम्यूटेटर रिंग्स हम इसको बोल देते हैं, कम्यूटेटर रिंग्स। ये क्या काम करती हैं, देखिए जब हम इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, ये ब्रशेज हैं जो कि कम्यूटेटर रिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, ये ब्रश है और ये भी ब्रश है, तो क्या होगा, ये ब्रश हल्के से टच होते हैं इन डी के साथ। जैसे मान लीजिए ये डी है तो इसके साथ हल्के से यहाँ टच होते हैं और ये पावर सप्लाई से टच होता है। तो ये हल्के से टच होते हैं मीन्स ये इसको सप्लाई देते रहते हैं, और ये जो स्प्लिट पोर्शन है ये रोटेट करता रहता है। मान लीजिए ये रिंग है तो ऐसे रोटेट करता रहेगा, इस तरह से रोटेट करता रहेगा जो भी डायरेक्शन होगी इसके रोटेशन की, और जो करंट फ्लो करेगा यहाँ से इस तरह से जाएगा और यहाँ इस तरह से आएगा, या पॉजिटिव से इस तरह से इस कॉइल से ट्रैवल करेगा, ये आई करंट इस तरह से ट्रैवल करेगा, इस तरफ जाएगा और इस तरफ वापस आएगा, इस तरफ वापस आएगा। तो क्या होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है उसको सेम रखने के लिए हमने इसको यूज़ किया है, ताकि करंट की डायरेक्शन इसी तरह यहाँ से तो अवे, यहाँ से तो दूर जाए और इधर से वापस आए, तो सेम रखने के लिए इनका यूज़ किया गया है, और टॉर्क को मेंटेन रखने के लिए। देखिए अगर करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो सेम रहेगा और टॉर्क मेंटेन रहेगा, तो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए इसका यूज़ किया गया है। बाकी प्रिंसिपल यही है, देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी और उनके बीच में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया, कॉइल को प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी जो कि इसको रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, थ्रस्ट लगेगा, जो जो हमने ये थ्रस्ट की बात की फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग,
जो करंट है इस तरफ आ रहा है इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ हैं, ठीक है, और थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, और ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ से जब ये रोटेट करेगी तो करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, ये क्योंकि हाफ डी हमने यूज़ की है, और ये करंट इस तरह से फ्लो करता रहेगा। जब हम इसको पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देती है, रोटेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए इसको डीसी मोटर बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें डीसी पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। और ये इसमें अगर एक परपेंडिकुलर कॉइल हम लेते हैं, इसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है, जैसे ही ये रोटेट करती है, मान लीजिए बिल्कुल बीच में आ जाती है, ये बिल्कुल इस तरह से हो जाती है, इस तरह से, तो जो टॉर्क एक्टिंग है, मीन्स जो ये हमने थ्रस्ट इस पे लगा था, तो बीच में जाके वो लगभग नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे ये स्लो हो जाता है, जैसे यहाँ से तेज घूमेगा, यहाँ स्लो हो जाएगा, फिर तेज घूमेगा, और इस तरह से बीच में जाके स्लो हो जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, दो कॉइल्स का यूज़ किया गया, दो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर थी, एक ऐसे और एक इसके बिल्कुल बीच में ऐसे। तो उससे क्या हुआ, मान लीजिए एक ऐसे है और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, या एक ऐसे ले लीजिए एक ऐसे ले लीजिए, मीन्स इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और कॉइल यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, टॉर्क मेंटेन रहेगा और ये रोटेट करती रहेगी। तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल इसमें यूज़ किया गया है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स करंट का यूज़ करके जो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये थी डीसी मोटर की वर्किंग और कुछ जो मेन इसके पार्ट्स थे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।